ये देखिए फ्रेंड, आज हमने प्लास्टिक के पाइपों से जो जूस वाले आते हैं उनसे डॉल को सजाया है। ये किस तरीके से सजाया है ये हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको डॉल सजाना बताएंगे। ये देखिए हमने डॉल ली है और ये हमारा स्क्रैप पेपर है। ये हमने दो कलर में जूस वाले पाइप लिए हैं, पर्पल और ये ग्रीन। और ये एक लेस लिए, ये फेविकोल है हमारा। इसे हम सबसे पहले काटना बताएंगे आपको। ये देखिए इस स्क्रैप पेपर को हमें, आप अगर कोई चार्ट पेपर वगैरह लें तो आप स्क्रैप पेपर के बराबर का कट कर लें उसे पहले। इसे ऐसे, ये देखिए इस कॉर्नर से इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और रिब में रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसे 1 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसे यहां से ऐसे मिला देंगे। उसे इसके बाद यहां से सबसे पहले इसकी लंबाई यहां से लेंगे, ये 7 इंच है। उसके बाद यहां से भी 7 लेंगे। यहां से भी 7 लेंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे। इससे ये देखिए इसे इसी शेप में से कट करेंगे। उसके बाद हम इसे नीचे से कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारे डॉल का घेरा बन चुका है। उसके बाद इसके ऊपर हम ये पाइप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर फेविकोल लगाएंगे। इसी तरीके से दो इस कलर के लगाएंगे तो दो इस कलर के हम। ये देखिए उसके बाद में हम बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बीच सेंटर में लगाएंगे। देखिए उसके बाद में हम इसमें कट करके लगाएंगे। जिनको हम जो एक्स्ट्रा निकलेंगे उन्हें हम बाद में कट कर लेंगे। इस तरीके से एक इस कलर का फिर एक इस कलर में। पहले इसके हम आधे घेरे को तैयार करेंगे बनाकर। इसी तरीके से पूरे में हम इसे लगा के तैयार करेंगे।
ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें लगा के इसे तैयार कर लिया है। जिस तरीके से हमने इधर लगाया उसी तरीके से हम इधर लगा के ऐसी शेप दे के तैयार करेंगे। इसमें लगाने में कुछ भी नहीं है, ऐसे हमने आपको बता दिया है जैसे इसको लगाया है ऐसे ही सेम इधर लगाना है हमें। इसे लगा कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हमने पूरे में लगा के तैयार कर लिया। उसके बाद इसे हम सूखने के लिए रखेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे हम नीचे से एक सार करेंगे इसे। पहले हम इसका दुपट्टा बनाएंगे। ये देखिए जो हमारा इस स्क्रैप पेपर बचा हुआ है एक कोने पे से, इसे भी हम ऐसे करके और इनमें रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसकी हम अच्छे से कटिंग करेंगे। ये देखिए इस शेप में इस तरीके से इसकी हमने कटिंग की है। और इसके बाद इसके ऊपर हम ये पाइप लगाएंगे। इसके बीचों बीच में बिल्कुल ऐसे ही हम ये पाइप रखेंगे। इस शेप में ना हम आधे कर लेंगे फिर लगाएंगे। ऐसी शेप पे हमें ये लगाते हुए चलना है। इसी तरीके से इसे पूरे पे लगा के तैयार कर लेंगे। उसके बाद इस पे लेस लगा के इसे डेकोरेट करेंगे। इसी तरीके से इसे लगा के कंप्लीट कर लेंगे। इसे लगा के उसे और उसे दोनों को सूखने देंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करना और इसे लेस से डेकोरेट करना बताएंगे। पहले कुछ देर इसे सूखने के लिए रखेंगे। ये देखिए ये हमने सुखा लिए हैं। उसके बाद इसकी इसी हिसाब से कटिंग करनी है इन पाइपों की। ये देखिए इसकी हमने इसी तरीके से कटिंग कर ली है। उसके बाद इस घेरे की कटिंग करेंगे हम। इसकी पूरे की इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले इसके नीचे घेरे पे हम लेस लगा के इसे डेकोरेट करेंगे।
और इसे कुछ देर सूखने देंगे ऐसे ही। और एक लेस इसके ऊपर भी लगाएंगे। इस तरीके से और एक एक लेस हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से बन के आई है। आप चाहे तो इसी तरीके से अपने ठाकुर जी को भी सजा सकते हो। जैसे हमने ये बनाया है देखिए बिल्कुल सेम ऐसा दिखाई, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हम ठाकुर जी को भी पहना सकते हैं इसे, लेकिन हम इससे डॉल ही सजाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से इसके हम दुपट्टे पे भी लेस लगा के तैयार कर लेंगे जैसे हमने घेरे पे तैयार की है। ये देखिए अब इस पे भी हमने लेस लगा के तैयार कर लिया। अब इन दोनों को हम कुछ देर सूखने के लिए रख देंगे। अगर आप ग्लू गन से लगाते हैं तो ये तुरंत सेट हो जाएगी। कुछ देर बाद इसे हम गुड़िया पे अटैच करना बताएंगे। इसे थोड़ी देर सुखा लेते हैं। ये देखिए ये भी हमारा सूख के तैयार हो चुका है ये भी। उसके बाद में इसके ऊपर हम यहाँ पर इसे लगाएंगे ग्लू गन से। ये देखिए इसके इस घेरे को लगाएंगे सबसे पहले हम, उसके बाद में पीछे वाली साइड में इसके दुपट्टे को लगाएंगे। इसे इसके साथ ऐसे सेट कर लेंगे। ऐसे इधर से भी कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हमने अटैच कर दिया है इसको। ये हमारे बनके कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।